नमस्कार दोस्तों, YBS चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NSDL पेमेंट बैंक का। आप करंट अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा बैड न्यूज है, क्योंकि NSDL पेमेंट बैंक का जीरो करंट अकाउंट ओपनिंग जो था वो लाइफ टाइम के लिए जीरो बैलेंस मेंटेन करने का था, वो चेकबुक की तरफ से अगर अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो। लेकिन अब जो है, अगर आप चेकबुक के माध्यम से NSDL पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट ओपनिंग किए हैं तो हर महीने आपको 118 रुपये मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना चाहते हैं तो आप अगर अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 835 रुपये के करीब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपका अकाउंट क्लोज होगा। अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट क्लोज भी नहीं होगा और हर महीने आपको 118 रुपये मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा, यानी कि एक साल में आपको 1400 कुछ रुपए पे करना पड़ेगा। एक तरह से कंपनी कस्टमर के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। कहीं नहीं, ये अपने टर्म एंड कंडीशन में मेंशन किया था कि आपको अकाउंट ओपनिंग करने के बाद 1 साल यूज करो या फिर आप 1 महीने यूज करो, उसके बाद आपको इतना चार्जेस पे करना पड़ेगा। ये बताया गया था कि ये लाइफ टाइम जीरो करंट अकाउंट है, जो छोटे छोटे दुकानदार है उनके लिए इस अकाउंट को आप ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अब से 118 रुपए का चार्ज हर महीने आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप सक्षम हैं तो इस अकाउंट को यूज करते रहिए। 118 रुपए हर महीने आप पेमेंट जो है मेंटेनेंस चार्ज कंपनी को पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो 835 रुपए के करीब कुछ पैसे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कंपनी को, तब आपकी अकाउंट जो है वो क्लोज किया जाएगा। अगर आप अपने मर्जी से क्लोज भी कराना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से ये कंपनी का बहुत बड़ा घोटोलेबाजी समझ लीजिए, या फिर आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम किया ये कंपनी ने। तो इसके ऊपर लीगली कुछ भी एक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो RBI को मेल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ कंपनी फ्रॉड किया है, एक तरह से स्कैम कर रहा है, तो आप मेल कर सकते हैं, नहीं तो आप चार्ज पे करके अकाउंट को यूज कर सकते हैं। अगर वही बात करें NSDL पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट की, मेंटेनेंस चार्ज जो है 5 रुपए 90 पैसा या कुछ पैसे अभी सेविंग अकाउंट पे भी हर महीने काटी जा रही है। हम कोई ऐसे नहीं बता रहे हैं, हमारे पास एविडेंस हैं, क्योंकि हम जब कस्टमर केयर से बात किए तब वो हमसे बात भी किए और हमें उसका कॉल रिकॉर्ड भी किया हूं, जो आप अभी देख सकते हैं। 118 रुपये सर दिवाकर जी, आपका वो सर्विस चार्ज है सर, ठीक है, हर महीने की सर, वो आपको लास्ट की 30 तारीख में सर वो पे करना होता है सर आपको। तो सर हम नहीं चाहते हम कि कोई सर्विस चार्ज आपको हम पे कर पाए, कि हर मंथ आपको 118 रुपये दे पाए, उतना सक्षम नहीं है हम। ठीक है, जी सर, अभी ऐसा कीजिए, आप देखिए, मेरा अकाउंट क्लोज कर दीजिए, मेरा अकाउंट जो है बंद कर दीजिए। ठीक है, देखिए अभी आपको जैसे अकाउंट सर क्लोज करवाना है, हम सर 885 पे करना होगा, उसके बाद अकाउंट क्लोज करवा सकते हो सर आप। कि बैंक गलत कर रहे हैं, कस्टमर के साथ गलत कर रहे हैं बैंक। ये चीज पहले उनको मेंशन करना चाहिए था टर्म एंड कंडीशन में, जब अकाउंट ओपनिंग करेंगे उस टाइम उनको पता होना चाहिए कि इतना चार्ज पे करना पड़ेगा, 1 साल में आपको इतना पे करना पड़ेगा, अकाउंट क्लोज करेंगे तो इतना चार्ज पे करना पड़ेगा। इस तरह का स्विस बैंक में तो चार्ज लेता ही नहीं है सर, जिस तरह आपके बैंक ले रहे हैं। जी सर, लेकिन अभी ये जैसे क्लोज करवाओगे सर, अभी हम क्लोज तो कराएंगे सर, लेकिन लीगली एक्शन लेंगे इस पे, ऐसा नहीं है हम ऐसे छोड़ देंगे। जी सर, हम क्लोज कराएंगे, हम पेमेंट तो 1 रुपए भी नहीं देंगे। तो पे करना होगा, सभी अकाउंट क्लोज हो पाएगा सर। आपके बैंक जबरदस्ती कर रहे हैं, ये रंगदारी आप टैक्स वसूल रहे हैं, समझा जाए तो। आप कस्टमर इसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हम 118 रुपए का हर मंथ पे कर पाएंगे, और अब जब हम लीगली बोल रहे हैं कि आप हमारे अकाउंट क्लोज कर दीजिए, हम नहीं पे कर पाएंगे, तो आप अकाउंट क्लोज करने का भी चार्ज मांग रहे हैं। ये हाँ सर, ये कौन सा तरीका है? मैंने बात कराई कि सर तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको, ऐसा तो कोई बैंक और दूसरे बैंक में नहीं है। जी सर, क्लोज करने हर बैंक के सर, सब बैंक सब एक दाम नहीं है सर, बैंक के सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। नहीं सर, बैंक वाले जबरदस्ती थोप रहे हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं सर। देखिए जैसे अगर क्लोज करवाना है सर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, 885 पे करना होगा, उसके बाद सर अकाउंट आप क्लोज करवा सकते हो सर।